हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग। और गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और नया एपिसोड गाइस, आर्क सर्वाइवल बोल का, आर्क प्रामुल्फियर 100X का। और आज का आर्क प्रामुल्फियर 100X का जो एपिसोड है वो शुरू करने से पहले जो नए बंदे होंगे चैनल पे, फटाफट गाइस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। एंड अगर आप लोग को आर्क पीसी, आर्क मोबाइल, माइनक्राफ्ट, बेडरॉक, जावा वर्जन या कोई भी मोबाइल या पीसी गेम के सर्वर बनाने, नीचे डिस्क्रिप्शन में निट्राडो का लिंक है, वहां से आप लोग बना सकते हो। सो निट्राडो सर्वर को नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जरूर से चेकआउट कर लेना गाइज। और अगर आपने अभी तक हमारा इंस्टाग्राम एंड डिस्कॉर्ड गाइज यहाँ पे फॉलो एंड ज्वाइन नहीं करा तो कर लो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो चलो गाइज, आज का ये वाला जो एपिसोड है प्रामुल्फियर 100X का, वो करते बिना किसी देरी के शुरू। पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कि हम लोगों ने सिलेस्टियल वाले दो गीगास, एक मेल एंड एक फीमेल टेम करा था, इस उम्मीद में कि ये दोनों हम ब्रीडिंग करेंगे। मैं इनके ब्रीडिंग के टाइम पे इनको म्यूटेशन दूंगा, जो बच्चा निकलेगा वो म्यूटेटेड बच्चा निकलेगा जिसके स्टैट्स गॉड लेवल पे होंगे और सबकी बैंड बजाएगा। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। हमारे दोनों गीगा जो है ना गाइज, उन्होंने यहाँ पे मेटिंग ही नहीं करा। मतलब डिमोनिक एंड सिलेस्टियल वाले जो डायनोज है उनका मेटिंग यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। एंड उस रीजन से इन गीगास का भी मेटिंग यहाँ पे हुआ नहीं। लेकिन टेंशन नहीं लेने का, आज के इस वाले एपिसोड में मैं इसमें से एक गीगा को, जो सबसे ज़्यादा हाई लेवल वाला और हाई डैमेज वाला, ये वाला जो फीमेल गीगा है ना, उस फीमेल गीगा को आज के इस वाले वीडियो में मैं करने वाला हूँ यहाँ पे इवॉल्व करप्टेड सिलेस्टियल गीगा में। अभी उसको करप्टेड में बोल करने के लिए शायद से मुझे करप्टेड नूडल चाहिए होंगे। और मेरे पास, रुको मैं देखता हूँ करप्टेड नूडल जो ना कैसे पड़े हुए कि नहीं। करप्टेड, वाओ, रेयर मशरूम का तो मैं जुगाड़ कर लूँगा, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेयर मशरूम तो हम लोग को मिल ही जाएंगे। बट सीन है गाइस थोड़ा करप्टेड वाले जो ना गाइस यहाँ पे नूडल्स का, मुझे जाके गाइस किसी एक करप्टेड डायनो को बस जाके मारना है। मैं फटाफट से अपने आजू बाजू कहीं पे करप्टेड डायनो क्या देखता हूँ, उसको जाके मारते, उसका करप्टेड नूडल जो है गाइस वो लेते और हमारा काम जो है गाइस वो हो जाएगा। ठीक है, मैं फटाफट से देख लूँ मेरे आजू बाजू कहीं पे ये कौन सा वाला करप्टेड डायनो है। करप्टेड अल्फा ट्राइक, ठीक है ना गाइस, हमको करप्टेड नूडल तो दे ही देगा ना गाइस। ये करप्टेड नूडल मेरे हिसाब से तो दे देगा। मैं जाके इसको मार के आता हूँ और इसे करप्टेड नूडल जो है ना गाइस वो भी हासिल करके लेके आता हूँ। उसे करप्टेड नूडल गाइज मैं इससे हासिल करूंगा यहाँ पे, फिर क्या से गाइज उसको मारेंगे। चलो फटाफट से चलते हैं हमारे करप्टेड अल्फा ट्राइक के पास और उसको, कहाँ पे गया, जमीन के अंदर है क्या, ओ नहीं ये रहा, जब मुझे लगा काफी ज्यादा दूर है, ये तो यहीं पे है भाई। इसने अभी अभी ताजा ताजा गाइज एक इस ब्राचियोसॉरस को मारा है। रुको, इसको भगवान के पास पहुंचाते। 8 करप्टेड नूडल ऐसे ही मिल गए, हार्वेस्ट करने से 55 करप्टेड नूडल मिल चुके हैं और हमारा काम जो है गाइज वो यहाँ पे 25 हो चुका है। और मैं एक और चीज करने वाला हूँ, मैं आज जो आने वाले एपिसोड है ना उसमें जो हमारे सिलेस्टियल डायनोज होंगे, मैक्सिमम सिलेस्टियल, मैक्सिमम नहीं सिर्फ सिलेस्टियल डायनोज ही होते हैं ना गाइज, वो करप्टेड में इवॉल्व होते हैं। सो जितने भी गाइज करप्टेड में इवॉल्व होने वाले सिलेस्टियल डायनोज है उनको मैं आने वाले एपिसोड्स में टेम करने का काम यहाँ पे करने वाला हूँ। उसके लिए मेरे को करप्टेड वाले नूडल्स काफ़ी ज़्यादा चाहिए होंगे। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे करप्टेड क्लस्टर पहले तो बनाता हूँ। रुको, करप्टेड नूडल यहाँ पे डालते हैं, करप्टेड क्लस्टर, इसी से कैसे हम डायनोस को करप्टेड में इवॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं करप्टेड क्लस्टर, इसको बनाता हूँ। एंड इस करप्टेड क्लस्टर का मैं एक का डबल कर लेता हूँ ताकि मुझे अगर फ्यूचर में किसी को भी करप्टेड डायनो बनाना हो, इवॉल्व वगैरह करना हो, तो हम इसकी मदद से कर सकते हैं। 21 टोटल मेरे पास करप्टेड क्लस्टर जो है गाइस वो आ चुके हैं। चलो अभी फटाफट से हमारे गीगा को इवॉल्व करने का काम भी हम लोग शुरू कर देते हैं। हमारा जो सिलेस्टियल गीगा है ना, ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल गीगा है भाई। ठीक है भाई, इसकी पावर इतनी ज़्यादा है ना गाइस, मैं आपको क्या बताऊँ, ये सच में काफ़ी ज़्यादा ओपी गीगा है। लेकिन हमारे अभी तक एपेक्स गीगा का रिकॉर्ड जो है डैमेज का वो तोड़ नहीं पाया है। बट मुझे लग रहा है कि अभी अगर मैं इसको करप्टेड करूँगा ना, तो ये शायद से हमारे एपेक्स वाले गीगा का जो रिकॉर्ड था ना वो मे भी यहाँ पे तोड़ देगा। चलो मैं इसका पहले तो सैडल निकाल लेता हूँ और सैडल निकालने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे वो करप्टेड क्लस्टर, जिससे गाइस हमारा गीगा हो जाएगा डायरेक्टली करप्टेड गीगा में इवॉल्व। ओके, मैंने डाल दिया इसके अंदर वो करप्टेड क्लस्टर एंड अभी मैं इसको इवॉल्व कर रहा हूँ। फटाफट लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो गाइस। ठीक है, 1 2 3 लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो।
बट इसका डैमेज जो है जो काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका होगा। और एक और बात, अगर अभी हम लोग इसको ऐसा बाहर निकालेंगे ना तो डायरेक्टली स्पॉन नहीं होगा, धीरे धीरे यहाँ पे प्रकट हो जाएगा। देखना देखना गाइज, ये देखो अबे ये तो थोड़ा सा स्कैम हो गया। वो वाला डायनो देखना गाइज, वो वाला गीगा देखना, उसको जब हम लोग बाहर निकालते हैं ना वो डायरेक्टली स्पॉन नहीं होता, वो ऐसे मतलब ऐसे लगता है कि गाइज वो आ रहा है, गाइज पार्टिकल से बन रहा है वो। देखना मैं इसको स्पॉन कर रहा, इसको मैंने करा क्रायो एंड अभी मैं इसको स्पॉन कर रहा हूँ यहाँ पर। ये देखो ये देखो, देख रहे हो भाई किस तरीके से डायरेक्टली नहीं आए, ये धीरे धीरे करके जो ना गाइस ऐसा लगा कि एक एक पार्टिकल से एक गीगा जो है गाइस यहाँ पे क्रिएट हुआ, बट वो सीन हमारे सेलेस्टियल गीगा के साथ नहीं हो रहा है, ये डायरेक्टली स्पॉन हो रहा है। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी देखते हैं गाइस हमारा एपेक्स गीगा, ये जो गीगा आप देख रहे हो ये गीगा तीन फटकों में, सिर्फ तीन फटकों में किसी भी ओरिजिन डायनो को, कोई भी ओरिजिन बॉस हो उसको सिर्फ तीन बाइट अटैक में इजीली मार सकता है। क्या उसका रिकॉर्ड हमारा ये सेलेस्टियल गीगा तोड़ पाएगा? चलो आ जाओ देखते हैं। डैमेज की बात करें तो मुझे लग रहा है इसका डैमेज माइनस ही जाने वाला है, वो तो कोई सीन ही नहीं बनता, सीधा माइनस डैमेज। यस बाइट वाला अटैक जो है उसका डैमेज माइनस ही जा रहा है यहाँ पर। ये देखो इजी पीजी, ये ले बेटा ये ले बेटा भाई, इजीली इसके जो अटैक से उसका डैमेज यहाँ पे माइनस में जा रहा है, ठीक है। और फायर अटैक, फायर अटैक पहले ग्लिच था ना, अभी भी ग्लिची है गाइस। इसका फायर अटैक जो है गाइस उसका डैमेज ही नहीं पड़ रहा, इसके फायर अटैक का डैमेज इतना ज्यादा है कि गेम जो है गाइस वो ब्रेक हो चुका है, ये देखो। इसलिए गाइस इसके फायर अटैक का डैमेज ही नहीं पड़ रहा, डायरेक्टली गाइस इसका फायर अटैक डिसेबल ही कर दिया है गेम ने। ये देखना मैं फायर जोड़ रहा हूँ लेकिन कोई भी असर नहीं पड़ रहा, ठीक है। सी वाला इसका मेन अटैक है गाइस, सेलेस्टियल बॉम्ब वाला, एंड इसका डैमेज माइनस में जा रहा है। ये 6000 जो डैमेज पड़ रहा है उसके पीछे ध्यान से देखना, थोड़ा माइनस में भी डैमेज आपको दिखाई देगा। सो इसका डैमेज जो है गाइस वो माइनस में जा रहा है गाइस, सेलेस्टियल बॉम्ब वाले अटैक का भी। ओके और कोई अटैक इसके पास अवेलेबल है? नहीं गाइस, बस इतनी अटैक हमारे इस गीगा के पास है। बट सबसे मेन सवाल ये है कि इसने एपेक्स गीगा का क्या रिकॉर्ड तोड़ के सबसे ज़्यादा पावरफुल गीगा का जो किताब है, सबसे पावरफुल डायनो का जो गाइस यहाँ पे टाइटल है वो अपने नाम कराए के लिए, वो मुझे अभी देखना है। एंड उसके लिए मैं सबसे पहले इस सेलेस्टियल गीगा को विदाउट पावर अप ओरिजिन बॉस से बिड़ाऊंगा, ठीक है। विदाउट पावर अप हम लोग इसको बिड़ा रहे ओरिजिन स्पाइनो, ओके। बिना पावर अप के ओरिजिन स्पाइनो को तीन बाइट अटैक का रिकॉर्ड है गाइस एपेक्स वाले गीगा का, ठीक है। वन, अरे यार नहीं यार, मुझे नहीं लग रहा गाइस ये गीगा सेलेस्टियल वाला ना एपेक्स गीगा का रिकॉर्ड तोड़ पाएगा भाई। मेरे एक बाइट अटैक का डैमेज जो है 4 बिलियन जा रहा है, सिर्फ 4 बिलियन। मुझे नहीं लग रहा है गाइस कि ये गीगा एपेक्स गीगा का डैमेज रिकॉर्ड तोड़ पाएगा यहाँ पे। आए हाय हाय रे मेरी पूरी किस्मत रे बाबा, नहीं गाइस इम्पॉसिबल है इसके लिए भाई रिकॉर्ड तोड़ना। रुको एक काम करता हूँ, मैं इसको पावर अप कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है गाइस, हम लोग इसको फटाफट से पावर अप कर लेते हैं। गाइस यहाँ पे रिपर को देख के ना मुझे डोडो रिपर की याद आई। गाइस डोडो रिपर को टेम करा जाए क्या, क्या बोलते हो भाई? अगले एपिसोड में तुम्हारा भाई जो है ना वो डोडो रिपर को टेम करेगा सीधा, ठीक है गाइस। हम सीधा डोडो रिपर को टेम करेंगे, मैंने काफी टाइम हो गया डोडो रिपर को टेम नहीं करा है, हम डोडो रिपर को टेम करेंगे। रुको अब पहले तो गाइस इसकी पावर अप में कर लूँ इस गीगा की। यार मुझे प्यास लगी है, थोड़ा पानी शानी पी लो। रुको भाई, मुझे लगा था कि हमारा सेलेस्टियल गीगा जो है ना, वाह भाई देख रहे हो तेरे भाई के अंदर भाई अनहोनी शक्तियाँ आ चुकी है, पानी में चल पा रहा हूँ मैं। आर के सस्ते नशे भाई, क्या ही बोले। चलो गाइस एक काम करता हूँ, अभी मैं सेलेस्टियल गीगा को पावर अप करता हूँ। रुको गाइस यहाँ पे मैं उन बर्ड को मारना चाहता था बट वो तो भागे जा रहे हैं मेरे से दूर दूर, बेचारे एक पीढ़ी के पीछे ना फौज दूर हॉक पड़े हुए हैं, मुझे उस पीढ़ी को बचाना है। ऊपर मेरे अटैक से नहीं जाएंगे कोई भी भाई, तबाही तो मचा रहा है लेकिन भाई गीगा तबाही तो मचा रहा है भाई।
इजीली किसी भी बॉस की बैंड जो है कैसे हमारा गीगा बजा सकता है, इतना तो मुझे पता चल गया है। रुको, अभी एक काम करता हूँ, मैं फटाफट से इसकी पावर अप करता हूँ और पावर अप करने के बाद हम लोग ओरिजिन से फाइट लेते हैं, फिर देखते हैं इसकी यहाँ पे सीन क्या होता है। मतलब हम लोग भाई तीन फटकों में एक्चुअली में ओरिजिन को मार पाते हैं कि नहीं, मुझे नहीं लग रहा है कि ये ना एपेक्स वाले गीगा का रिकॉर्ड इस जन्म में तोड़ पाएगा। भले ये एपेक्स वाले गीगा से 2-3 टायर अप वाला डायनो है, बट स्टिल मुझे नहीं लग रहा है कि ये रिकॉर्ड तोड़ पाएगा। हमारा किंग जो है गाइस वो एपेक्स करप्टेड गीगा ही रहेगा। चलो मैं इसको पावर अप कर रहा हूँ गाइस, हियर वी गो। ये मैंने सेलेस्टियल गीगा को करा पावर अप। ये है मैक्स इम्प्रिंट गाइस, यहाँ पे ध्यान से देखना, इम्प्रिंट भी है ये। ओके, एंड अभी क्या, व्हाट, ओए क्या हुआ मेरे बेस पे, क्या हुआ गाइस, रुको, ये भाई क्राई हो जा भाई जल्दी, मेरे बेस पे कुछ तो कांड हुए हैं, मेरे बेस पे कुछ तो कांड हुआ भाई, वो गीगा ने सिलेस्ट्रल बम डाल दिया, क्या हो गया इन लोग को, अरे बावड़े बिवड़े हो गए हो क्या, अरे यार एक तो मैं स्लो मोशन मार रहा हूँ यहाँ पे, सारे के सारे भाई डायनोज यहाँ पे अपनी जगह से हटे हुए हैं, लग रहा है किसी तो डायनो ने हमला करा होगा। अभी इन लोग ने हमला क्यों करा वो भी बताता हूँ मेरे को आपको। आ जा गीगा, क्या गुंडा बना गिरे तुम, रुको इनको वापस से लाइन से लगा के रखना पड़ेगा जी भाई, ठीक है रुको मैं फटाफट से हमारे ग्रिफिन्स को यहाँ पे लाइन से लगा के रख देता हूँ। एक्चुअली मैं भाई जब हम लोग शील्ड के नज़दीक होते हैं तो शील्ड जो है ना थोड़े टाइम के लिए से गायब हो जाती है, ठीक है, बेस के आजू बाजू अगर हम घूमते हैं ना तो शील्ड ऐसा लगता है कि गायब हो चुकी है। सो वही सीन हुआ होगा और कोई डायनो जो ना गाइस इसका फ़ायदा उठा के डायरेक्टली हमारे घर के अंदर घुसा होगा और हमला करा होगा हमारे डायनो के ऊपर। और ग्रिफिन थोड़े से कम लग रहे हैं मुझे, पानी में गिरे हुए चमन ग्रिफिन से यार मेरे, पानी के अंदर गिर गए भाई, क्या बोलूँ। चलो अच्छी बात है गाइस इन लोग ने खुद को बचाया यहाँ पे और उस जिस भी डायनो ने हमला करा था उसकी बैंड बजा के रख दी यहाँ पे, उसको ऐसे लाइन से लगा के रख दूँ मैं। भाई गीगा की पावर देखनी है हम लोग को, इसने भी खुद को पावर अप कर लिया था भाई डायरेक्टली, इसको यहाँ पे रख देता हूँ उनको। वो देखो हमारे ग्रिफिन, पागल ग्रिफिन है यार, पानी में कूद गए भाई, उसको मारते मारते 1-2। अरे भाई मैं तो भूल गया था मैं पानी के अंदर चल सकता हूँ, मुझे फॉल डैमेज पड़ गया इतने ऊपर से गए जंप मारने के रीजन से। वाह भाई वाह, ठीक है भाई इस ग्लिच के रीजन से मुझे फॉल डैमेज पड़ गया। चलो अभी ग्रिफिन्स को जो है ना लाइन से मैं लगाता हूँ, फिर जाके हम लोग देखते हैं गीगा की पावर अप करके कितनी यहाँ पे डैमेज जा रही है। मुझे लग रहा है कि इसके हमारा जो गीगा है ना वो रिकॉर्ड बिल्कुल नहीं तोड़ पाएगा। आपको क्या लग रहा है कि एपेक्स गीगा का सेलेस्टियल गीगा पावर अप मोड पे रिकॉर्ड तोड़ पाएगा, डबल डैमेज जा सकता है, 8 बिलियन तक डैमेज जाएगा ओरिजिन के ऊपर, बट उससे ज़्यादा की उम्मीद नहीं करना। इसको सबसे लास्ट में रखना है, इसकी हाइट जो है ना कि जो सबसे ज़्यादा बड़ी है, इसलिए आइस ग्रिफिन को यहाँ पर लगता हूँ मैं। उसके बाद आएगा अपना अगला वाला सेलेस्टियल वाला ग्रिफिन एंड फाइनल ये ग्रिफिन, ठीक है। अभी गीगास को भाई मैं यहाँ पे लाइन से लगा देता हूँ, एक ये गीगा और एक एपेक्स गीगा, ठीक है। ये अपना मेल वाला सेलेस्टियल गीगा है, शील्ड तो एक्टिवेट है ना, हाँ शील्ड तो एक्टिवेट है, शील्ड का कोई सीन नहीं है, शील्ड एक्टिवेट है अपनी। ये रहा गाइस अपना एपेक्स वाला गीगा, ठीक है लेट्स गो। फटाफट से अभी इस गीगा को मैं लेके जाता हूँ और भाई फुल टू तबाही मचाता हूँ पावर अप मोड पे, ठीक है। क्या हो गया, ओके चलो आ जाओ आ जाओ, मैं थोड़ा ना अपने घर से थोड़ा दूर चला जाऊँ भाई, घर के नज़दीक रहूँगा ना तो ऐसे कैसे हमले होते रहेंगे अपने घर के ऊपर, क्योंकि वो शील्ड थोड़ी सी डिसेबल होती है ना, ये देखो हाँ इसे दूर जाना है थोड़ा सा। पावर अप मोड पे एक पड़ के मैं क्या मैं प्रैबल मेगलाटन को मार सकता हूँ भाई, इजी पीजी इजीली पेल डाला भाई, प्राइमल मेगलाटोन की 7 बिलियन हेल्थी। वैसे मेरा डैमेज जो है गाइस वो लगभग कैलकुलेट करा जाए तो 70-80 बिलियन का जा रहा होगा यहाँ पे। रुको मैं एक काम करता हूँ, मैं ओरिजिन को बुला रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है गाइस मैं ओरिजिन को बुला रहा हूँ और देखते पावर अप मोड पे हम लोग उनको 3 फटकों में मार पाते कि नहीं। ये आ गया वापस से स्पाइनो ओरिजिन वाला, अरे नहीं यार 42-36, अरे नहीं यार 29, बस 6 बिलियन का डैमेज जा रहा है मेरा,
6 बिलियन का। भाई एक मिनट रुक जाओ, मुझे एक और चीज ट्राई करने दो। मैं सारे ओरिजिन को अभी बुलाता हूँ, A to Z, ठीक है? A to Z ओरिजिन को बुलाता हूँ एंड इनके ऊपर पावर अप मोड पे मैं सी वाला अटैक डालूंगा। क्या ये एक अटैक में मरेंगे? खलास! ओ भाई, खत्म। भाई ये वाला अटैक इसका सबसे ज्यादा पावरफुल है। देख रहा, अपने जगह से हिलने भी नहीं दिया मैंने इनको और इन लोग की बैंड बज गई। ये देखो भाई, लाशें पड़ी हुई है ओरिजिन्स की। भाई वेरी वेरी डेंजरस। ये वाला जो सी वाला अटैक है ना गाइस, इसका कंटिन्यूस डैमेज देने वाला, ये भाई सबसे ज्यादा डैमेज डील कर रहा है। 3 bite attack क्या भाई, ये तो एक फटके में उड़ा दिया। लेकिन वही सीन है कि बाइट अटैक का डैमेज हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो डैमेज के मामले में ना अभी तक स्टिल नंबर 1 पे जो डायनो है अपना, वो है एपेक्स करप्टेड गीगा। उसका डैमेज रिकॉर्ड कोई भी डायनो अभी तक तोड़ नहीं पाया है। और मैंने आपको जब उसको टेम कर रहा था तभी बताया था कि इस गीगा का डैमेज कोई भी यहाँ पे भाई तोड़ ही नहीं सकता। देखते आगे फ्यूचर में जाके मे भी हम लोग को ऐसे डायनो मिल जाए जो गाइस हमारे उस गीगा का डैमेज जो है गाइस वो यहाँ पे ब्रेक कर पाए, मतलब रिकॉर्ड जो है डैमेज का वो तोड़ पाए। लेकिन अभी फिलहाल के लिए नंबर 1 पे अपना एपेक्स वाला गीगा ही है। बाकी आपको गाइस हमारा ये करप्टेड वाला, ये करप्टेड गीगा का तो मैंने आपको लुक ही नहीं दिखाया ना। रुक जाओ, मैं आपको करप्टेड गीगा का लुक दिखा देता हूँ कि क्या हमारा करप्टेड गीगा कैसे दिखता है ना, वो दिखाता हूँ उनको। उसको कहाँ पे लेके, अच्छा ऐसे घुमा के दिखाता हूँ आपको, रुक जाओ। ये देखो गाइस हमारा करप्टेड वाला सेलेस्टियल गीगा, ये हमारे करप्टेड वाले सेलेस्टियल गीगा का लुक एकदम फुल टू जो ना गाइस करप्शन इसके बॉडी पे चढ़ चुका है। आधी बॉडी नॉर्मल है इसकी और आधी बॉडी जो है गाइस वो करप्ट हो चुकी है, और उस रीजन से इसका डैमेज वगैरह तो इंक्रीज हो गया है, बट ये गाइस हमारे एपेक्स गीगा का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ नहीं पाया। लेकिन स्टिल ये काफ़ी ज़्यादा ओपी है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और इसी की तरह जो और डायनोज है ना सेलेस्टियल वाले जो करप्ट हो सकते हैं, उन डायनोज को मैं आने वाले एपिसोड्स में यहाँ पे टेम करने का काम करने वाला हूँ। और आने वाले एपिसोड्स में गाइस बॉस फाइट भी होने वाली है, तो आने वाले एपिसोड बिल्कुल भी मिस नहीं करना। बाकी आज का जो हमारा एपिसोड है गाइस आर्क सर्वाइवल इवॉल्व का, आर्क प्राइमल फियर 100X का, वो कैसे लगा जरूर नीचे कमेंट करके बताना। हमारा करप्टेड सेलेस्टियल गीगा जो है गाइस वो आपको कैसे लगा वो भी नीचे कमेंट करके बताना। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। बाकी तो मिलते सीधा आपसे अगले एपिसोड में आर्क सर्वाइवल इवॉल्व के आर्क प्राइमल फियर 100X के। तब तक के लिए बाय बाय, और जाते जाते हमारा डिस्कॉर्ड और इंस्टाग्राम जरूर से ज्वाइन एंड फॉलो करना। चलो मिलते अगले वीडियो में, बाय बाय गाइस, सी यू लेटर। And how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk and then hook up.